सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देयर ऑन टीवी। एंड आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अपनी गाड़ी टाटा टियागो XTO मॉडल। एंड ये गाड़ी कितनी वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते, सब हम आपको पूरा बताएंगे। और कितने प्राइस मनी पे ये हमें कितना मतलब कितना की पड़ी है मुझे गाड़ी, हम इसका रिव्यू देंगे कितनी वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। सो पहले चलते हैं इसके फ्रंट लुक पे। कुछ इस तरह के इसका फ्रंट लुक है। एंड यहाँ पे पियानो फिनिश में आपको इसके ट्राई एरो पैटर्न्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ ग्लॉसी लाइक क्रोम का इसमें कुछ यहाँ पर किया गया है। इसका जो लुक है ये बहुत ज़्यादा शार्प है डिलेट्स। एंड इसकी जो यहाँ पे इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पे इसको ब्लैक किया गया है। एंड इसके जो लाइट्स है इसमें नॉर्मल हेलोजन मिलेंगे, आपको LED नहीं मिलेंगे। सो आपको अगर लाइक लगाना है तो बाहर से लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल हेलोजन लाइट्स मिलेंगी इस तरह की। एंड एक चीज़ और, हमको इस पीरियड में फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, तो ये हमें फॉग लैंप्स हमें मतलब आफ्टर मार्केट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो डीलरशिप से भी लगा सकते हैं एंड आफ्टर मार्केट भी हम ऐसे इसे लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका पूरा फ्रंट लुक है। एंड अब चलते हैं इसके साइड लुक्स में। तो कुछ इस तरीके से इसका साइड लुक है। एंड इसके जो ORVMs हैं ये ब्लैक कलर में मिलेंगे। अगर आप ग्रे कलर में लोगे तो ग्रे कलर में इसका बॉडी कलर आएगा, बट अगर आप वाइट कलर में लेते हैं तो लाइक पूरा ब्लैक है। अब चलते हैं इसके टायर साइज में। 14 इंच का इसका टायर साइज है। एंड इसमें ऐसी नॉर्मल सब आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, आपको कुछ अलॉयज और कुछ व्हील कैप्स नहीं मिलेगा। ये बाय द वे ये व्हील कैप्स ही हैं, बट एक सिल्वर कलर के हैं नॉर्मल व्हील कैप्स। सो अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। तो इसका रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, ये मैंने एडिशनली ऐड किया इसमें। सो कुछ इस तरीके से थोड़ी गंदी दिख रही है, बट इट्स ओके। एंड इसके यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और ये कैमरा मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया, तो इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन सा लगाया है, ठीक है। एंड हम गाड़ी बूट इसको 2 तरीके से खोलते हैं, एक आगे से खुलता है वहाँ से ड्राइवर साइड से, एक यहाँ से खुल सकता है। तो ये इसका कुछ ऐसा कुछ कुछ बूट है। और 240 लीटर का इसका बूट स्पेस है। एंड यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे देखने को नहीं मिलती है इस वेरियंट के अंदर, बट एंड ना कोई लाइट्स मिलेंगे इसके अंदर, बट यहाँ पे आप 3 किलो तक का कुछ भार उठा सकते हो, मतलब लगा सकते हो। एंड बस कुछ इस तरीके से है इसका, इसे बंद कर देते हैं। सो कुछ इस तरीके से इसकी की है। एंड यहाँ पे इसको लॉक और अनलॉक करने की है। और ये हेडलैम्प से पार्किंग में कभी आपको गाड़ी ढूंढनी है तो आप ये बंद करके ऐसे ऑन कर सकते हैं। सो चलिए अब इसे अनलॉक करते हैं, गाड़ी को चलते हैं इसके अंदर। सो ड्राइवर साइड में आपको पहले कुछ इस तरह का आपको मिलता है ग्रे डुअल टोन इफेक्ट में, ग्रे और ब्लैक कलर में, क्योंकि बहुत प्रीमियम लगता है गाड़ी का। एंड यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिलती हैं, चाइल्ड लॉक मिलता है। अब हम आते हैं इसकी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम मेन जो चीज़ है इसके अंदर है। सो अब हम अंदर आ गए हैं। एक बार इसका थर्ड सुनिए आप, 1 2 3। लिटरली इतना मतलब हैवी मटेरियल टाटा ने ये तो हमको दिया है ना, मतलब कुछ इस तरीके का हमारा पूरा डैशबोर्ड है। एंड यहाँ पे हमको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कंपनी से इस गाड़ी को लेते हैं, जो XTO मॉडल, बेसिकली XTO मॉडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो हमको यहाँ पे इसके क्या बोलते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड सब कुछ मिलेगा, पावर विंडोज, बट हमको ये जो है एंड्रॉयड सिस्टम ये बाहर से लगवाना पड़ेगा। बाकी इसमें ऑल 4 स्पीकर्स आते हैं, ठीक है। इसमें ट्विटर नहीं आता, ट्विटर इसमें बोथ साइड नहीं है, मिसिंग है, बट यहाँ पे स्पीकर्स हैं, जो कि स्पीकर्स बहुत इनफ है। मतलब अगर आपको नॉर्मल म्यूजिक सुनना है, बेस भी है इसमें काफ़ी अच्छा, बट आपको ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं एंड्रॉयड सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। बाकी इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज हेयर। एंड आपको कुछ बाहर से करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ये करवाने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं पावर विंडोज करवाने की जरूरत नहीं है, आपको स्पीकर लगवाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंड्रॉयड लगवाना है और आपका काम आप एकदम सेट हो। सो गाड़ी को ऑन कर देते हैं। इस तरीके का इग्निशन है इसका, ये बहुत कूल लगता है। मतलब गाड़ी में हमको जो ये साइड मिरर्स की जो फिटिंग है यहाँ पे, मतलब ये दे रखी कि हम यहाँ से हम अंदर से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इनको फोल्ड नहीं कर सकते, इनको हमें मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा, हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा। ये तभी फोल्ड होंगे, ऐसे फोल्ड नहीं होंगे, तो वैसे हाथ से फोल्ड कर दो बस, मतलब खोल दो और बंद कर दो अपने हाथ से, ऐसा है इसमें सिस्टम। और इस तरह के पियानो फिनिश में इसके AC वेंट्स हैं, मतलब बहुत कूल लगते हैं इसके AC वेंट्स, बहुत पियानो फिनिश में पियानो की इसकी फिनिशिंग दे रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। और इसका जो डायमंड कट ये है स्टेयरिंग व्हील है, और स्टेयरिंग व्हील इसका बहुत लाइट है। एंड यहाँ पे हमको क्लच एंड कुछ इस तरीके से है, और लेदर सीट, इनकी मेरे को सीट इसकी काफ़ी मतलब पसंद है,
प्लस जिस तरीके का टायर बटन इसमें डाला गया है। एंड मुझे अभी अभी कोई नीड नहीं लग रही, मतलब लाइक सीट कवर की, तो अभी मतलब मैंने करवाया नहीं है, तो अभी मैं करवाऊंगा, बट दैट्स इट। एंड ये कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक है इसका। टाटा वाले यहाँ पे हॉर्न दे रहे हैं या, और अब आते हैं इधर, तो यहाँ पे कोई ऐसे मिरर दिया ही नहीं गया, बस ये ऐसे खाली नॉर्मल है। एंड यहाँ पे बस यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे ये दो हैंडल दे रखे हैं पकड़ने के लिए, इधर नहीं है आई थिंक, और हाँ उधर इधर ये देखिए लैम्प्स हैं, ये वैसे LED है, मतलब व्हाइट कलर की लाइट है, तो ये अच्छी लगती है। बाकी कुछ इस तरीके का पूरा लुक है इसके अंदर का। जो मैंने इसमें एंड्रॉयड लगवाया है, मैं इसका भी आपको रिव्यू दूंगा। एंड ये मतलब बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगा। इसके साथ साथ एक कैमरा भी लगवाया है, उस कैमरे के बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का बताऊंगा। बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे आपको 1200 cc का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, एंड जो मैक्सिमम पावर जो ये जनरेट करता है ये 72 bhp 6000 rpm की ये पावर जनरेट करता है। जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 95 Nm 3500 rpm की। एंड इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये 60 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm है। बस दैट्स इट, आज के लिए एंड करते हैं। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रॉन टीवी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय गुरु जी, जय गुरु।